नाउ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे हम लोग अपनी एक्सरसाइज 6.44 आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे थे, सिंप्लीफाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। हमें सिंप्लीफाई करना है, बाद में अपने आंसर में वेरीफाई करना है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 डाल दिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। 1/4 2x² माइनस 10y² 2x² प्लस 10y² हम 1/4 कैसे रखेंगे, इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इस फर्स्ट टर्म से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 10y² से इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4x² x² इज x^4 2 2 4 x² इज x^4 यानी 2 + 2 इज 4। यू नो दैट मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। प्लस 2 10 20 x² y² माइनस 10 2 20 x² y² माइनस प्लस माइनस 10 10 100 y² इज y^4 यानी 2 + 2 4। सेम नंबर प्लस और माइनस का कैंसिल हो जाएगा, चूंकि 20x² y² माइनस 20x² y² का एडिशन 0 होगा। 1/4 4x^4 माइनस 100y^4 ये 1/4 इससे और इससे दोनों नंबर से अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 कैंसिल, x^4 माइनस 100/4 इज 24, 5y^4। अब हम लोग देखते हैं इसका वेरिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। हमने पहले ये क्वेश्चन उतार लिया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। इसमें आपको क्या डालना है, x की वैल्यू डालनी है, आपको x की वैल्यू 2 डालनी है और y की वैल्यू 1 डालनी है। देखिए क्या करेंगे, 1/4 2 2² माइनस 10 1² 2 एक्स के 2 डाला 2² प्लस 10 y² मीनिंग इज 1² 1/4 ऐसे 2 2 4 2 8 माइनस 10 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 2 8 प्लस 10 1/4 ऐसे माइनस 10 में से 8 गया बचेगा माइनस 2 8 प्लस 10 इज 18 2 से इसको कट किया 2 2 4 एंड 2 9 18 माइनस प्लस माइनस तो आपका क्या आ गया माइनस 9। अब राइट हैंड साइड उतारेंगे, x^4 माइनस 25 y^4 x^2 डाला 2^4 माइनस 25^ 25 इंटू 1 स्क्वायर 2 2 4 2 8 2 16 एंड 25 16 में से माइनस 25 किया यू विल गेट माइनस 9। तो आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब आपका आंसर वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट क्या है, x² प्लस 5² माइनस 2x² माइनस 2y² आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करेंगे, इस x² से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस y² से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। x² 2 1 2 x² 4 फिर प्लस माइनस माइनस 2 1 2 x² y² नाउ आप क्या करेंगे, इस प्लस y से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 y² और x² की प्रोडक्ट माइनस x² y² फिर इसकी प्रोडक्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 1 2 y^2 + 2 इज y^4 अब माइनस 2x^4 ये दोनों माइनस के सेम टर्म में ऐड हो जाएंगे, माइनस 4x² y² माइनस, देखिए फिर से बात समझ लीजिए, माइनस
टू एक्स की पावर 4, ये दोनों सेम टर्म माइनस के हैं, माइनस माइनस ऐड साइन ग्रेटर नंबर, माइनस टू वाई की पावर 4। अब हमें वेरिफिकेशन करना है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 के। हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड उतार ली, अब हमें x की जगह 2 डालना है और y की जगह माइनस 1। एक्स स्क्वायर है सो 2 स्क्वायर हो गया, प्लस y की जगह माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 x की जगह 2 का स्क्वायर, माइनस 2 y स्क्वायर मीनिंग इज 1 स्क्वायर। सो 2 टू जा 4 एंड माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 2 टू जा 4 माइनस 2, माइनस 2 1 जा माइनस 2, 4 प्लस 1 इज 5, 4 टू जा 8 माइनस 8 माइनस 2, माइनस 8 माइनस 2 इज माइनस 10 इंटू 5, यू विल गेट माइनस 50। आप राइट हैंड साइड उतार लेंगे, राइट हैंड साइड में आपके पास है माइनस 2 एक्स की पावर 4, माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस 2 वाई की पावर 4। एक्स के 2 डालेंगे, वाई की जगह 1 डालेंगे, तो माइनस 2 ऐसे 2 की जगह 2 की पावर 4, माइनस 4 एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीनिंग 1 का स्क्वायर, माइनस 2 वाई की पावर 4 मीनिंग इज 1 की पावर 4। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 2 टू जा 4 4 ऐसे 2 1 की पावर 4 इज 1, 16 टू जा माइनस 32 4 4 जा 16 माइनस 2, यू विल गेट माइनस 50। देखिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो राइट हैंड साइड आपकी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो गए, इसका मतलब आंसर आपका वेरीफाइड हो गया। क्लियर हो गई बात? अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ठीक है। क्वेश्चन 3 में आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 5, आप इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। पहले हम इनको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से इस एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस 5 से इस एक्स प्लस 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस का 5 हम ऐसे ही कॉपी करेंगे। एक्स स्क्वायर और एक्स, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 प्लस 5, अब x क्यूब ऐसे ठीक है, और 5x स्क्वायर ऐसे 5x ऐसे माइनस 25 प्लस 5 इज माइनस 20, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है x स्क्वायर टू 2 एंड y स्क्वायर टू 1 के। अब हमने क्या किया, पहले ये आंसर था, ये जो आंसर है हमारी राइट हैंड साइड होगी, इस राइट हैंड साइड में हम x के 2 डालेंगे और y की जगह 1 डालेंगे, तो y तो इसमें है ही नहीं, तो देखिए 2 का क्यूब प्लस 5 2 स्क्वायर माइनस 5 x मीनिंग इज 5 इंटू 2 माइनस 20, 2 टू जा 4 टू जा 8 हो गया, प्लस 2 टू जा 4 5 जा 20, 5 टू जा 10 माइनस 20, प्लस 20 माइनस 20 इज कैंसिल, माइनस 8 में से माइनस 10 में से 8 गया, यू विल गेट माइनस 2। अब हम लोगों ने अपना क्वेश्चन उतारा, ये हमारी क्या साइड हो गई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई, इसमें हम डालेंगे x की वैल्यू 2, y है ही नहीं, नाउ x स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 5, 2 का स्क्वायर माइनस 5 2 प्लस 5 प्लस 5, 2 टू जा 4 माइनस 5 2 प्लस 5 इज 7 एंड प्लस 5 माइनस 5 में से 4 गया माइनस 1, माइनस 1 और 7 की प्रोडक्ट आएगी माइनस 7 प्लस 5, माइनस 5 में से प्लस 5 गया बचा माइनस 2, ये हो गया आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गई राइट हैंड साइड, आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए राइट हैंड साइड के, आंसर आपका वेरीफाई हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका इसका फोर्थ पार्ट। अब देखिए फोर्थ पार्ट क्या है,
फोर्थ पार्ट आपका है 5x² + x + 7y 3 - 2y। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दो को पहले मल्टीप्लाई करना है। 5x² से प्लस इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस के 7y से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे। 5x² से प्लस 3x - 2xy + 7 + 21y + - -7 - 14 yy y² अब इसमें कोई भी सेम टर्म नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर है। आपको वेरिफिकेशन करना है, x के लिए 2 डालना है, y की जगह 1 डालना। तो पहले आपने राइट हैंड साइड उतारा, यानी इस आंसर को दिया, इस आंसर में x की जगह 2 डालेंगे और y की जगह 1 डालेंगे। तो 5x² + 3x - 2xy + 21y - 14y² 5 × 2² + 3 × 2 - 2 × 2 × 1 + 21 × 1 - 14y² is 1² 2 × 2 = 4, 5 × 20 3 × 2 = 6 2 × 2 = 4 21 × 1 = 21 14 × 1 = 14 आप देखिए प्लस का नंबर ऐड कर लें, 20, 21 and 6 यू गेट 26 + 21 = -+47 -4 is -14 is -18 47 में से 18 क्या 29। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड उतार ली, आपका क्वेश्चन उतारा 5x² = 2² + 2 + 7 × 1 3 - 2 × 1 2 × 2 = 4, 5 × 20 2 + 7 is 9 3 × 1 = 3 3 में से 2 = 1 9 × 1 = 9 20 + 9 is 29 ये बेटा 09 यानी 9 है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 29। अब आप देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 x + 5 2x + y + x + 2y x - 1 पहले इस x से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस y से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले x से इस x - 1y को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस 2y से इस x - y को मल्टीप्लाई कराएंगे। 2x² + x y + 2xy + y or y² + x² - x y + 2 or 2y or x की प्रोडक्ट 2xy - 2 × 2 y or y² ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, 2x² और x² = 3x² 2xy + 2xy मिलके बन गया प्लस का 4xy 2y² में से प्लस का y² माइनस करेंगे तो आपको बचेगा माइनस का y². अब हम लेफ्ट हैंड साइड को उतार लेंगे। ठीक है, अब x की जगह डालेंगे 2, y की जगह डाला 1, तो ये हो गया 2 + 1 ऐसे 2x = 2, 2 × 4 + 1 ठीक, फिर प्लस ऐसे x = 2, 2 × 1 x = 2 y की जगह 1 2 + 1 is 3 2 × 4 + 1 is 5 हो जाएगा, फिर 2 × 4 यू गेट 2 2 × 2 2 + 2 is 4 2 में से 1 = 1 तो देखिए 3 ये हो गया था 5 3 × 5 = 15 + 4 कितना मिल गया 19। ठीक, अब हम अपनी राइट हैंड साइड को ले लेते हैं 3x² = 2² + 4 × 2 × 1 - 1² तो 2 × 4 = 12 हो गया 4 × 8 हो गया
माइनस वन, 12 प्लस 8 इज 20 माइनस 1 कितना आ गया 19। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बेटे, हमको करनी है मल्टीप्लाई, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की हमको मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम x से x प्लस 2y को 2x माइनस 9y प्लस 7 से मल्टीप्लाई कराना बेटा। तो पहले x से इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस 2y से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे। 2 वन जे 2, x और x की प्रोडक्ट होगी एक्स स्क्वायर, माइनस 9 वन जे 9 एक्स वाई, प्लस 7 वन जे 7 एक्स, प्लस 2 टू जे 4 एक्स वाई, माइनस 2 9 जे 18 वाई, और वाई मिल के बना वाई स्क्वायर, 2 7 जे 14 वाई। अब 2x स्क्वायर ऐसे माइनस के 18y स्क्वायर ऐसे, 4 का एक्स वाई है और माइनस का 9xy है, माइनस 9 में से 4 गया, माइनस के 5xy, प्लस का 7x एंड प्लस का 14y, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट, 2x माइनस 1 बाई 2y इंटू 3y 4 एक्स माइनस 10y प्लस 8, 2x इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस 1 बाई 2y से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे करेंगे, 2 टू जा 4 यानी 3 बाई 2 एक्स स्क्वायर, 2 10 जा 20xy, 2 8 जा 16x, माइनस ये अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किए बेटा, 1 बाई 2 और 3 बाई 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, x और y हो गया, माइनस 1 बाई 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई हो गया, y और y मिलकर y स्क्वायर हो गया, प्लस 8 इंटू 1 बाई 2 वाई हो गया। क्या करा, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये तो माइनस का हो गया, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 एक्स वाई, एंड ये प्लस का हो गया 5 वाई स्क्वायर, ये बेटे माइनस का 4 वाई, फिर ये ऐसे उतार दिया, प्लस के 5 वाई स्क्वायर से उतार दिया 16x एंड माइनस के 4 वाई ऐसे उतार दिया। अब ये माइनस का 20xy है, ये माइनस का 3/8xy है, इनको यहाँ लिख दिया। अब 8 और 1 कैल्सियम आएगा, 8 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 160xy, माइनस के 3xy, ये मिलकर बन गया माइनस का 163xy, बाकी पूरा ऐसे ही उतर जाए। ठीक है, आप देखिए इसका थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई को हमें मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस वाई स्क्वायर से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, आप देखिए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स मिल के एक्स क्यूब बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स क्यूब वाई, प्लस वाई स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर और वाई मिलके बनेगा वाई क्यूब, प्लस एक्स वाई स्क्वायर और वाई मिलके बनेगा बेटा वाई क्यूब। ठीक, अब सारे अनलाइक टर्म्स हैं, इसलिए कोई भी टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब आपके पास है ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हमें मल्टीप्लाई कराना बेटा, पहले ए से इस पूरे को करेंगे, फिर प्लस बी से भी इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर प्लस सी से इस पूरे को मल्टीप्लाई कराएंगे, ए की पावर 4 हो गया, माइनस ए बी क्यूब प्लस बी ए क्यूब माइनस बी की पावर 4 प्लस सी ए क्यूब माइनस सी बी क्यूब। इसमें भी सारे टर्म्स आपको बेटा चेंज है, ठीक है, कोई भी लैग टर्म नहीं है, इसलिए यही आपका आंसर हो जाएगा।